हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। सो अभी बज रहा है सुबह का 10 और मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है। और पता नहीं क्यों कल रात से ही मुझे पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा था, बट रात मैंने लेजीनेस के चक्कर में बनाया नहीं। बट मैंने इस टाइम सोचा चलो यार आज पास्ता बना ही लेते हैं। तो अभी मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया ना, ऑलमोस्ट हमारा पास्ता बॉयल होने वाला है। पर अचानक से दिखाई देती है एक मक्खी। मतलब यार जब कुछ भी मेरा बहुत ही ज़्यादा मन करता है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती किसी चीज़ की, तो मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। और ना अचानक से ये मक्खी गायब भी होगी, बट मैंने फाइनली इसको ढूंढ के निकाल लिया। लेकिन फिर मुझे मतलब अजीब सा ख्याल आने लगा, पता नहीं कहाँ बैठी थी कैसी थी। तो मैंने पास्ते को रखा साइड में और मैंने अपने लिए बना लिया फिर दूसरा सैंडविच। और ये बहुत ही यम्मी सैंडविच बनता है शेजवान चटनी से, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। सो अब आप सोच रहे होगे मतलब ये सैंडविच खाते खाते एकदम से रेडी कहाँ होगी। तो मैं जा रही हूँ अबूज़र के लिए झूला लेने, क्योंकि ईद में मैंने उसको कुछ गिफ्ट नहीं दिया था, उसकी फ़र्स्ट ईद थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यार उसके लिए झूला ले लेते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं झूला लेने के लिए। और आज का वेदर बहुत ही अच्छा था, बट मुझे डर लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, बट थैंक गॉड बारिश अभी तक तो नहीं हुई है। बट जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुँचे ना, छोटी छोटी सी बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई थी। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे टॉयज़ की शॉप पर, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों के टॉयज़ थे। आप देख सकते हो यहाँ पर हर तरह का झूला था, गर्ल्स के लिए पिंक कलर का झूला था एंड बॉयज़ के लिए ब्लू कलर का, आप देख सकते हो। एंड जैसे ही हम बस शॉप पे पहुँचे तो और हम झूला देखे रहते, सडनली बारिश होने लगी, बट हमने जल्दी से ब्लू कलर का झूला ले लिया और हम फ़ौरन निकल चुके हैं घर के लिए। तो अभी घर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हमने अबूज़र को झूले में लिटाया था और उसको इतना अच्छा लग रहा था, मतलब माशाल्लाह वो इतना एंजॉय कर रहा था, आप देख सकते हो वो कितना ज़्यादा खुश था। मतलब उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था झूले में, जब उसको स्विंग कर रहे थे ना तो उसको इतना अच्छा लग रहा था, आप उसके एक्सप्रेशन देख सकते हो कितना ज़्यादा खुश हो रहा था बच्चा। तो घर में मेरा गिफ्ट सबको बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जिसके लिए गिफ्ट था उसको तो बहुत ही पसंद आया। अबूज़र को इतना अच्छा लग रहा था झूले में कि उसका तो मन ही नहीं कर रहा था उतरने का, उसमें वो दिन भर आराम से सोया। उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम, और आप देख सकते हो ये लालची बिल्ला मतलब जहाँ भी देखता है कोई कुछ खा रहा ना, बस फ़ौरन आके वहाँ पे बैठ जाता है। और उसके बाद हम गए ओपी शर्मा का मैजिक शो देखने, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारे लोग थे, मतलब काफ़ी सारे लोग तो अंदर जा चुके थे। और हमें लेट हो गया था पहुँचने में, 7 बजे का शो था। तो अभी मेरे हस्बैंड टिकट ले रहे हैं और हम बस जल्दी जल्दी से अंदर शो देखने के लिए गए। तो चलिए 7 बजे शो देखते हैं।
अब शो ख़त्म हो चुका है और हम घर जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। सो आप भी ज़रूर जाना फ्री फ्रॉम लखनऊ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।